आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को करने से पहले मैं एक चीज पे आप लोगों को डिस्कस करूंगा। आपको याद हो मैंने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए बताया था कि कई सारे फाइल के डेटा एक फाइल में एक के नीचे कॉपी पेस्ट कैसे होगा, राइट? याद होगा? हेलो, हमने फोल्डर में फाइल लिस्ट निकालना सिखाया था आपको DIR फंक्शन के जरिए। हेलो, अतीत जी आपको सिखाया था मैंने? अनिल जी आपको सिखाया था? तो हमने बताया था कि VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स हैं, उन फाइलों का एक सीट का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। सर आपको एक और तरीका मैं उसी चीज का बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। जी हाँ, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, इसको हम बगैर VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। ये चीज मैं बताना भूल गया था, तो आज मैं इस चीज को पहले कवर करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो गेट डेटा में फ्रॉम फाइल यहीं पे आपको दिखेगा फ्रॉम फोल्डर। इस फ्रॉम फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और यहां से वो फोल्डर का पाथ दीजिए जिस फोल्डर में आपके फाइल पड़े हो। लेकिन ध्यान रखिएगा इस फोल्डर में उतने ही फाइल पड़े होने चाहिए जिसका यूज करना है। एंड ओके, एंड ओके। तो यहाँ पे आपको सारे फाइलों का लिस्ट आपको दिख जाएगा कि कितने फाइलों का लिस्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पे लोड है, ट्रांसफॉर्म और लिस्ट एक कंबाइन है। तो मैं यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करता हूं। तो ये क्या करेगा कि आपके हर शीट का पहला शीट डेटा शीट उठा लेगा। यहां पे देखिए फाइल, फर्स्ट फाइल यहां पे लिखा हुआ है सी डेटा, तो हर फाइल के इस डेटा शीट को उठाएगा, समझे सर? तो यहां पे फाइल को लिस्ट आपको दिख रहा है और उसका लोकेशन डाल दीजिए एंड यहां पे आप ओके कर दीजिए। ओके करते हैं आप यहां पे देखेंगे कि जितने भी फाइल है डेटा, तीन फाइलों का डेटा, तीन फाइल थे नहीं, तीन ज्यादा थे, तो उन फाइलों का डेटा यहां पे लोड कर देगा। एक F1, F2, F3, F4, F5 दिख रहा है सर? हेलो। ओके, अब मैं एक काम और करता हूं कि ये एक्सेल फाइल में ओपन करता हूं और किसी में एक कॉलम को कम करता हूं, किसी में एक कॉलम को ज्यादा कर देता हूं, तब क्या होगा? ये चीज मैंने करके नहीं देखी है, सोचा आपके साथ इसको करके देखता हूं। डेटा में मैं क्या करता हूं कि यहां फाइल पांचवें नंबर फोल्डर में एक कॉलम बढ़ा देता हूं और दूसरे नंबर फाइल पे एक कॉलम घटा देता हूं, ठीक है? इसमें मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूं, अप्रैल के बाद मई कर देता हूं। इसको सेव किया, क्लोज कर दिया और मैं एक दूसरे फाइल में सीट को कम कर देता हूं। यहां से अप्रैल में हटा देता हूं, 40 सीट रखता हूं। तब क्या होता है कि तब भी ये डेटा को सही तरह से कंपाइल करता है या नहीं करता है? ऐसा कर लेता है तो फिर VBA की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी।
ठीक है, एंड ओके कर। यहाँ पे फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल में मार्च नहीं है इसलिए मार्च को नहीं रखा है सर्टिफाइड, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड नहीं किया है। तो इसमें एक रीजन ये है क्योंकि हमने जो फाइल का जो फर्स्ट फाइल लिया था उसमें हमने गड़बड़। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार और इसी को लोड करता हूं। और मुझे पता है कि हाईएस्ट सीट किस डेटा में है, तो मैं फर्स्ट फाइल के जगह पे उसी फाइल को लिंक करूंगा। मैं करके देख रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं किया है, थ्योरी पढ़ी है बट किया नहीं है। तो मैं यहाँ पे पांचवें फाइल पे आता हूँ और इसके डेटा शीट को लेता हूँ क्योंकि इसमें मई तक का है सीट। दैट जी हाँ, ये मई तक का सीट आपको आ गया। तो हमें बीवी की जरूरत इसमें नहीं है, क्या बोलना है सर? है, बट आपको ये देखना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कॉलम किसके अकॉर्डिंग पूरे डेटा को कॉपी करना है, उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए और ये आपको कंबाइन कर देगा। कोई डाउट इसमें?